नमस्कार, मैं विनोद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं महाराष्ट्र एडीजी अमिताभ गुप्ता जी, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, समर्पित कुशल ईमानदार महाराष्ट्र कैडर के अपने आप में कोहिनूर, जिनसे मिलकर एक छोटा से छोटा इंसान और बड़े से बड़े शिखर पर का भी व्यक्तित्व अपने आप को सहज और सरल महसूस करता है। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अमिताभ जी, आपने एक रिफॉर्म का नया जो है विधान बनाया है, यह आपके मन में कैसे विचार है? देखिए, करीब छः महीने पहले मैं रीजनल डिपार्टमेंट के इंचार्ज करते आया, तो सबसे पहली चीज़ जो आई, और एक नीचे के आदमी से लेके एक रस्ते के आदमी से लेके एक जेल वार्डन से लेके चीफ मिनिस्टर तक के सबको एक बात में सहमत था कि जेल में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। जेल की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, कोलैप्स हो सकता है। उस हिसाब से हम लोगों ने प्रिजनर्स के लिए, स्टाफ के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और करने की कोशिश की। इस रिफॉर्म्स को अगर आप देखें तो 2 या 3 टुकड़ों में हमने करने की कोशिश की, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म्स में जो छोटी छोटी चीज़ें की जा सकती थी स्टाफ के मतलब भलाई के लिए या उनके वेलफेयर के हिसाब से वो की गई। प्रिजनर्स के हिसाब से जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे गर्म पानी है या उनको तकिया गद्दी है या उनका मतलब ओपन जेल की क्राइटेरिया है, वो सब सारी की गई। फिर कुछ मीडियम टर्म्स थे, जैसे हम लोगों ने देखा कि जेल का स्टाफ बहुत कम है, तो गवर्नमेंट को हम मूव किए और 2000 पोस्ट एक्स्ट्रा, मतलब 40% एक्सटेंड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट मंजूरी दी है और 10-15 दिन में गवर्नमेंट में डिसीजन हो जाएगा। इसके लिए जो प्रोसीजर है फाइनेंस का और बाकी सारी प्रोसीजर कम्प्लीट हो गई है। एक मीडियम टाइप का रिफॉर्म ये है, वो उस आने के बाद हम जो एक सुधारना होती है उसको ध्यान सकते हैं। अभी इतना कम स्ट्रेंथ है कि केवल जेल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ही मुश्किल हो रहा है। फिर आता है लॉन्ग टर्म, नए प्रिजन्स बांधने, क्योंकि जेल की ओवरक्राउडिंग 2 times है और ये एक लंबा प्रोसेस है 6-7 साल का, तो उस पर भी हम काम करें। मैं देख रहा हूँ जेल के कैदी कभी कभी, जैसे कि आपकी बात से लगता है कि वह अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, परिवार से कट कर महसूस करते हैं। आपने जो एक नया जो है आपके एक तरह से विज़न किया कि उनके वो अपने परिवार के लोगों से जो है बात कर पाए, तो यह विचार आपको कैसा? देखिए, जेल में जैसे आप देख सकते हैं कि सभी जो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें पाया गया है कि उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं तभी उनसे क्राइम भी होता है और फिर जेल में, और जेल में आने के बाद हम बिल्कुल ही हर तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आपस में मारामारी करते हैं और भी खुराफात आता है उनका दिमाग में, और जब तक वो फैमिली के साथ टच में नहीं रहेंगे तब तक उनका मेंटल बैलेंस नहीं है। तो इस करके हमने जो मुलाकात कक्ष है उनको बढ़ाने की कोशिश की, टेलीफोन की हम सुविधा दे रहे हैं। येरवाड़ा में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करीब 40 बूथ हम लगा रहे हैं, उसके लिए भी SOP बनाई गई। ऐसा नहीं कि किसी को भी फ़ोन करेगा, प्री डिसाइडेड हर कैदी को 3 नंबर दिया जाएगा जो वो देता है, उसमें वो परिवारजनों को चूज़ कर सकता है, उनको फ़ोन कर सकता है, हफ्ते में 1 बार कर सकता है। और एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, उसका मिसयूज़ नहीं हुआ, उसको एक्सपेरिमेंट और बढ़ाएंगे। येरवाड़ा में एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ तो हम 60 के 60 प्रिजन्स में वो एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। तो ये उसे एक संवाद रहेगा तो मेंटल बैलेंस रहेगा, तो मेंटल बैलेंस रहेगा तो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में। महाराष्ट्र जेल के प्रमुख होने के नाते आपको आपके राज्य के ऐसा कौन सा जो है जेल है जिसको आप इस समय आप संतुष्ट रूप से अच्छा मानते हैं? देखिए, ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक तरह से जो हमारे रिफॉर्म्स हैं वो बड़े पुराने जेल्स में काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं, जैसे नासिक है, येरवाड़ा है, इनका थोड़ा सा ग्रीनरी है, बैरिक्स बड़े हैं, लेकिन तब भी येरवाड़ा में 3 times ओवर क्राउडिंग है। तो ओवर क्राउडिंग समस्या ऐसी है कि किसी भी अच्छे जेल को वो खराब कर सकती है, और वो जब तक हमारा एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट नहीं होता है मॉडर्न जेल नहीं आते हैं, और वही हमने प्रपोज किया है पालघर में, एकदम मॉडर्न जेल जो आप कभी कभी मूवीज़ में या बाकी जगह फॉरन में देखते हैं, उस लेवल का हमारे प्रेजेंस होने चाहिए, उस लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए,
उस लेवल का हमारा ह्यूमन राइट जो टेक केयर है वो होना चाहिए, तो फिर एक हमारे लिए एक खुशी। अमिताभ सर, इसको लेकर जो है बजट आड़े नहीं आएगा? नहीं, गवर्नमेंट पूरा विलिंग है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस बारे में जेल की व्यवस्था सुधारने के बारे में सभी एक मत, और ये अभी करने की बात है। पैसा है, एक समस्या है पैसा है ना, लेकिन उससे ज़्यादा विल पावर की समस्या ज़्यादा है। तो अगर जैसे ही काम बढ़ेंगे वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। इस विषय को लेकर जो बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे भी आप बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, जो जिनको कुछ करने की इच्छा हो? देखिए, जेल का जो बजट होता है बहुत बड़ा, एक नया प्रिजन बनाने में 500 से 600 करोड़ लगता है। तो ये मतलब ये गवर्नमेंट की अपनी जवाबदारी करेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने हमारे को बहुत मदद की है, कुछ लोगों ने मॉडल की जो सप्लाई करने की हमारे को डिस्कस की, दवाइयाँ बाकी और भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें की हैं। अभी हमने गर्म पानी को इंट्रोड्यूस किया, पुराने जेल में गर्म पानी इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम था। तो जो पूना वाला फाउंडेशन है वो येरवाड़ा का अपना गर्म पानी लगाने के लिए जो सोलर पैनल सोलर सिस्टम में लगा रहा है। इस तरह से लोग अपने अपनी ओर से जो हो सकता है, जो उनका एक बजट का हिस्सा होता है जिसकी जो इसके लिए अलॉट करते हैं, वो निश्चित रूप से आगे रखते हैं। महिलाओं को लेकर आपके मन में क्या विचार है? क्योंकि हमारे समाज की वो अभिन्न अंग होती है, किसी न किसी रूप में जो है वो जेल में जाती हैं, उनको उनके रख रखाव को लेकर कई चिंताएँ हैं। देखिए, अगर जेल रिफॉर्म्स होंगे तो सबके लिए पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशली उनके छोटे बच्चे। तो जेल में एक साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को रखना अलाउड है। तो हम लोगों ने क्रेच के सिस्टम पालन घर में रखना स्टार्ट किया, और वो हम लोग पहले जेल में होता था, उसको हम जेल के बाहर लगा रहे हैं, प्रेमिसेस के बाहर, ताकि उसमें बाहर के भी बच्चे आ सके, स्टाफ के भी आ सके, तो इस तरह से सर्वांगीण एक विकास हो सकता है। इसके अलावा और भी जो उनकी महिलाओं की समस्या होती है, उस हिसाब से हम लोग उसको जेल को ट्वीट कर रहे हैं, उनके ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, और उनके हिसाब से सुटेबिलिटी देख के ही हम लोग सब जेल में प्रिजन को प्रपोज कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट दायरा। और तो और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गया है, तो पितृपंथी होते हैं उनके लिए भी हम अलग अलग बैरक बना रहे हैं, उनके लिए उनके कैटेगरीज के हिसाब से। तो सिर्फ सारे रिफॉर्म्स जो भी जजमेंट आ रहे हैं, पुराने में भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुराने में लिमिटेशन रहता है जगह का ये, लेकिन सारे रिफॉर्म्स जो नए चार और आने वाले जितने भी प्रिजन है सब में हम लोगों ने इसको टिक किया। अमिताभ सर, आप बताएंगे कि जो आपने रिफॉर्म का जो आपने एक तरह से बीड़ा उठाया है और आपने संकल्प लिया है, किन किन जेलों को आप रिफॉर्म करेंगे? नहीं, सारे जेलों का रिफॉर्म तो हमारे मुख्य तौर पर जो है, देखिए सबसे पहले रिफॉर्म्स में आती है ओवर क्राउडिंग। तो ये जो पुणे और यहाँ की पुणे थाना और मुंबई की बेल्ट है, इसके आजू बाजू में परिसर में बहुत प्रिजन्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले येरवाड़ा की स्ट्रेंथ बढ़ाना, फिर येरवाड़ा की ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए नगर में एक प्रिजन लाना, फिर बॉम्बे में ओवर क्राउडिंग है आता रोड में, उसके लिए पालघर का एक प्रिजन आना, क्योंकि बॉम्बे में लैंड बड़ा मुश्किल है। फिर थाने में जो ओपन जेल, उसको क्लोज जेल करना, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा सब टॉयलेट्स के बारे में, फिर हम लोगों ने सेंक्शन स्ट्रेंथ जो सबके लिए 2000 से बढ़ाया है, तो ये सब चीज़ें रिफॉर्म चल रही हैं। लेकिन ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ी समस्या है, जो कि सारे रिफॉर्म्स होने वाले रिफॉर्म्स को किल कर देती है। क्योंकि अगर एक बैरक में जैसे कैपेसिटी 100 है, 300 लोग रहेंगे, तो सारी चीज़ें व्यवस्था चलना रहेगी। अमिताभ सर, जो है जैसे कि जेल का जो है अपना नया जो है उनका अपना काम करने का एक तरह से मापदंड होता है, एक सिस्टम होता है, क्या जो है उस सिस्टम में कैदियों को जो है कंप्यूटर वगैरह देकर जो है कुछ उनको कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे 3 से 4 सेंटर्स में इंक्लूडिंग नासिक में हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी IIT का दे रहे हैं, और उनको उनके पास टाइम रहता है तो उनके स्किल अपग्रेडेशन कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर भी सीखें, लाइब्रेरी भी देते हैं, और बाकी एक बार वो जब प्रिजन से रिलीज होंगे तो निश्चित रूप पर वो उसका जो उनका कंप्यूटर सीखा उसका उनको प्रोफेशनल लाइफ का काम है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग जो है जेल के अंदर से जो है बाहर किसी से फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं, आप तक ऐसी शिकायत आई है संज्ञान में? नहीं, बहुत आई है। तो हमारा हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि मतलब फ़ोन की सिम की स्मगलिंग होती है। तो हम लोग इसको दो तरह से उसको डील किया, एक तो ये आप इलीगल मत करो, जब भी हमें ऐप मिलता है तो हम सीधे पुलिस केस रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरी ये कि हमने ये भी समझा कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको मतलब अगर चैनलाइज करके
कुछ प्रॉपर एसओपी के साथ लाया जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये इसी का भाग है क्योंकि येरवाड़ा में हम लोगों ने करीब 40 बूथ लगा रहे हैं, तो प्री डिसाइडेड नंबर है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होना ही है। 10-15 दिन में जैसे ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा और सबका सक्सेस रिपोर्ट आएगा और क्यूज आएगा तो उसको हम 60-60 जेल में उसको करेंगे। मानसून भी आने वाला है अमिताभ जी, तो एक ग्रीनरी को लेकर जो है वृक्षारोपण का भी आपके मन में विचार है? नहीं, बहुत हमारे कई मतलब आता रोड छोड़ दीजिए सारे प्रिजन बहुत ग्रीन है, बहुत स्कोप है और हमारे कैदी भी उनको गार्डनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है तो मेंटेन भी करते हैं, तो वृक्षारोपण हमारे यहाँ अच्छे से होता है। एक आखिरी सवाल, एक जेल का जो है राज्य का प्रमुख होने के नाते और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होने के नाते आपके मन में ऐसा क्या है जो आप एक संकल्प के साथ बदल देना चाहते हैं और इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, जब तक हम पुलिस अफसर थे या कमिश्नर ऑफ पुलिस थे तो थोड़ा समझ में आता था मतलब कैदियों की प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ अपने जो छोटे मोटे लॉकअप्स होते हैं, लेकिन इसका प्रमुख होने के बाद दूसरा एंगल देखने को मिला और फिर ये भी समझ में आया कि केवल प्रिजन में डालना नहीं, प्रिजन रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं, मतलब कैदियों का रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन राइट भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक है कि पुलिस की तरह इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी तरह अगर मतलब अपने स्टाफ की प्रिजन स्टाफ की और बिजनेस की लाइफ को स्मूथ कर सके नियम में रहते हुए वो हम लोग सब चाहते हैं। और एक आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र की जो विस्तारित जनसंख्या जिस तरह उत्तरोत्तर बढ़ रही है और जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए जो है मतलब घटनाओं में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है और इसके बाद जो है लोग जेल में जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो इस चूंकि आप कमिश्नर भी रहे हैं तो इन सारी बातों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या नया कुछ होना चाहिए जो समाज को चेतना दे या बदले? ये आपने बहुत बृहद और व्यापक प्रश्न पूछ दिया, ये आदिकाल से चला आ रहा है, इतने एक्ट बने, इतने हर टाइम हम देखते हैं डिमांड होती है कि इसमें नया एक्ट करो, पुराने एक्ट को टाइट करो, कभी कोई एक्ट कर तब भी समस्याएं हैं वो आती रहती हैं, क्राइम का स्वरूप चेंज होता रहता है, फिजिकल क्राइम अभी बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ, इकोनॉमिक ऑफेंस अभी साइबर क्राइम हो गया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली एक्ट के साथ साथ इन एक्ट जो अपना एक संवाद होता है, एक जन जागृति होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है और ये एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी में एक इसका जन जागरण होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, लोगों की अपेक्षाएँ हैं, अपेक्षा से ज़्यादा वो अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, कई बार अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता है, इसके कारण क्राइम होती है। तो बेसिकली एक लालन पालन, एक इकोनॉमिक सिचुएशन और ये बहुत ही कॉम्बिनेशन, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन का एक रणनीति है। तो जैसे जैसे समाज सुधरेगा, डेवलप होगा, शिक्षण बढ़ेगा, चीज़ें अपने आप कंट्रोल। अमिताभ सर, जो है सबसे मुख्य चीज़ ये है कि समाज को दशा की दशा और दिशा को बदलने के लिए, चूँकि कैदी भी एक सामाजिक प्राणी है और जो है मतलब वो भी उनके भी एक मौलिक अधिकार है, तो आप जो है इतने अभी आपने जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आपको क्या किस तरह से एक चैलेंज के रूप में लगता है कि आप अपने कार्यकाल में इसे बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? हो सकता है आपको एक नई जिम्मेदारी दूसरे तौर पर मिले किसी आयुक्त, किसी शहर के आयुक्त के रूप में, तो आपको लगता है आपके पास पर्याप्त समय है आप जो अपने कार्यकाल में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, कार्यकाल कितना होगा 7 साल, लेकिन जितने दिन रहने का ठीक से काम करने का और एक शाम को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपका स्टाफ और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं और जो आपके अपना एक कार्य क्षेत्र उसमें आपने सेटिस्फेक्शन पाएगा। मेरा एक है कि नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हुआ उस बहुत अच्छी है, मे बी मतलब इम्पैक्टफुल है और निश्चित रूप से काफ़ी कुछ किया है, जितना रहेगा उतना करेंगे, इस जिम्मेदारी में पिछली जिम्मेदारी में किया, आगे कई जिम्मेदारी आएंगी और प्रिजन रिफॉर्म ऐसा है कि सालों साल चल रहे हैं, प्रिजन के बहुत सारे रिफॉर्म्स है, पुलिस का रिफॉर्म आप देखिए वो भी सालों साल चलने वाला है,
एक जमाने में लॉकअप में लाते थे लोग मारते थे, कस्टोडियल नहीं होता था, पुलिस का बिहेवियर नहीं था, अभी इतना रिफॉर्म हो गया, फिर भी लोग कहते हैं रिफॉर्म जरूरत है, लोग कहते हैं ट्रेनिंग जरूरत है। सेम इसको फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यही चीजें प्रिजन पे भी लागू है। रिफॉर्म, नौकरी, टेन्योर, ऑन गोइंग प्रोसेस का पार्ट है, चलता है। अमिताभ गुप्ता जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर अमिताभ गुप्ता जी की के साथ जो आज विशेष भेंट हुई, इसके बाद दूसरी मर्तबा भी हम कुछ समय बाद इनसे विशेष मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।